मुक्के से मारा जा रहा है, लात घुसों से मारा जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम जो दरवाजे पर गए तो कुत्ता हुलका दिया, वहां से लाठी मार के भगा दिया लोगों ने। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल्के मुठ पर लगी हथेली अपनी मगर फसल ठाकुर की। थोड़ा बहुत घबराया होगा लेकिन इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तब। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, खैर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो मैं क्यों ना कहूं भाई, मैं क्यों ना कहूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में होगा घंटा, मुक्का मार के उसे भी फोड़ दो, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके यहां जल्दी से पहुंच जाए और आप उसको देखकर शेयर कर दे, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिहार में इस वक्त ब्राह्मण बनाम ठाकुर ट्रेंड कर रहा है। अब ट्रेंड क्यों कर रहा है, कोई तो कारण होगा। हाँ तो कारण यह है भैया कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में, यानी भरी संसद में एक कविता पढ़ी। कविता यह है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। इस तरह पूरी कविता है, आप सर्च करके पढ़ लेना। दरअसल इस कविता को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 80 और 90 के दशक में लिखी थी, लेकिन आज ये कविता उनकी कई लोगों के लिए रंग ला रही है लेकिन कई लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रही है। दोस्तों जब मनोज झा ने इस कविता को संसद में पढ़ा और संसद से बाहर जब इस कविता की बोल वायरल हुई, यानी उनकी वीडियो मनोज झा की जब वायरल हुई, तो काफी कई लोग भड़क गए। और बिहार में सबसे ज्यादा भड़कने वाला अगर कोई था तो बाहुबली कहे जाने वाले, माफिया कहे जाने वाले आनंद मोहन ने और उनके बेटे ने सबसे पहले मनोज झा पर भड़क गए। और आनंद मोहन ने मनोज झा पर कुछ ऐसे विवादित बयान दे दिए जिसको लेकर क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई भैया। अधिकतर आनंद मोहन ने कहा कि अगर मैं संसद में होता तो सबसे पहले मनोज झा की जीभ काट लेता, घींच लेता और ले जाके स्पीकर महोदय के सामने सौंप देता। दोस्तों इसको अब इस बयान के बाद, इस कड़वी बयान के बाद मनोज झा के समर्थकों की तरफ से भी बहुत सारी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। दरअसल आनंद मोहन ने सिर्फ मनोज झा के ऊपर ही टिप्पणी नहीं किया बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज पर भी कुछ अलग से भी उठपटांग बयान दे दिए जिसको लेकर क्रिया प्रतिक्रिया जारी होगी दोनों तरफ से। कोई सर काटने की बात कर रहा है, कोई जबान काटने की बात कर रहा है, मतलब इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। अब इसको लेकर जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि आनंद मोहन आपके सांसद को इस तरह के बयान दे रहे हैं, गर्दन काटने, जीभ काटने की, आप क्या बोल रहे हैं, तब लालू यादव ने आनंद मोहन को कहा कि वो बेवकूफ है, अकलमंद है। अब जितनी अकल होगी उतना ही ना बात करेगा। अब धंधे बाड़े आप, मतलब लालू प्रसाद यादव कैसे बोलते हैं, मजा आ जाता है। तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उसके बाद जब उनकी बयानबाजी वायरल हुई तब आनंद मोहन ने सोचा कि क्यों ना भैया हम लालू प्रसाद यादव से मिल ले जाए। लेकिन एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है और इसमें साबित हो रहा है कि आनंद मोहन कितना बड़ा बाहुबली है, कितना बहुत बड़ा बाहुबली है, कितना बड़ा गुंडा है। आप इस वीडियो पे देखो, आनंद मोहन जब पुलिस से सिक्योरिटी में जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर हाथापाई हो रही है, मुक्के से मारा जा रहा है, लात घूसों से मारा जा रहा है। जब आनंद मोहन बदला लेने के लिए उन, मतलब उनसे हाथापाई करने आ रहे हैं तो पुलिस वाले उनका अकेला पकड़कर खींच कर ले जा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, और एक वीडियो और आनंद मोहन की फिलहाल वही वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने कह रहा है कि हम लालू प्रसाद से मिलने गए तो लोग हमारे पीछे कुत्ता छोड़ दिए। मिलना चाहते थे लालू यादव से, दरवाजे पर गए, इंतजार किए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, आखिर क्या वजह? आपको पता कीजिए ना,
हम जो दरवाजे पर गए तो कुत्ता हुलका दिया, वहां से लाठी मार के भगा दिया लोगों ने, हम लौट गए। गजब बेइज्जती है। भैया आनंद मोहन की यही औकात बा, यही औकात है क्या? वो बहुत बड़े बाहुबली बताते हैं, लोग बताते हैं वो बहुत बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, और वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं बुरेर बुरेर के कि हम राजपूत हैं, फलाना है, वो है, ठकाना है, इसको लेकर लगता है कि वो बहुत बड़े बाहुबली हैं। लेकिन आज जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, इससे एक साबित हो गया कि भैया एक से बढ़ के एक धुरंधर इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि बिहार में मौजूद है, समझे? क्या इस वीडियो पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है?